अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर को डिलीट करने का ट्राई करेंगे। सो उसके लिए आपको लिखना है डिलीट यूजर। इसके लिए एक न्यू राउट हम बना लेंगे, राउटर डॉट डिलीट, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट यूजर और उसके बाद में कोलन आईडी। सो ये आईडी डायनेमिक रहेंगी जिसकी मदद से यूजर अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है। साथ ही में हमको ऑथ मिडलवेयर भी चाहिए और एक न्यू राउट हम क्रिएट करेंगे। सो यूजर कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट प्रोफाइल और अकाउंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए एक न्यू फंक्शन हम बना लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस फंक्शन ऊपर बना के रखे हैं ना, सेम उसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट डिलीट प्रोफाइल कंट्रोलर इक्वल टू एम टी आर ओ फंक्शन बना के छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, और नीचे इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम इसको राउट में यूज कर पाए। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं यूजर राउट के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, डिलीट प्रोफाइल कंट्रोलर सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली फंक्शन ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस कंट्रोलर फंक्शन में और इस फंक्शन को एसिंक फंक्शन कर लेंगे। कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे, कैच में सिंपली कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर और साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस ऑफ 500। इसके बाद में फिर सेंड फंक्शन, इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सक्सेस कर देना है फॉल्स। उसके बाद में मैसेज भी यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, एरर इन डिलीट प्रोफाइल एपीआई। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए ट्राई में हमको क्या करना है, सिंपली एक आईडी के बेस पर जो है यूजर को डिलीट कराना है। और ये कैसे कराएंगे, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पैराम्स में से यानी क्लाइंट से पैरामीटर को गेट करेंगे। जैसे कि अभी हम पोस्टमैन यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पैराम्स का ऑप्शन आता है, इसमें से हम उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू, फिर उसको रिक्वेस्ट और पराम्स में से आप गेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें पास करा देंगे और थोड़ा सा हमारा कोड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट अवेट करेंगे, अवेट, उसके बाद में हमको यूजर मॉडल का इस्तेमाल करना है और इसमें फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लेंगे। ये आईडी कहाँ से आएंगी, ये आएंगे रिक्वेस्ट डॉट पराम्स और फिर जो भी आपने नाम लिखा है, जैसे कि हमारे केस में हमने यहाँ पर आईडी नाम दिया है उसका, देख सकते हैं कोलन आईडी, तो इसको आपको यहाँ पर एक्सेस करना है। और जैसे यहाँ पर यूजर डिलीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, फिर यहाँ पर सेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे और सक्सेस कर देंगे ट्रू, और उसके बाद में एक मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड, इतना सा एक मैसेज हमको यहाँ पर ऐड करना है। सेव कर लेते हैं इसको और इसको टेस्ट कर लेंगे, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन को रन कर देंगे, तो npm रन सर्वर, तो यहाँ पे हमारा सर्वर रन हो चुका है और डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ दो ही यूजर है, देख सकते हैं आप, एक अपडेटेड यूजर और फिर एडमिन के नाम से हमने बनाया था। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, एक यूजर को डिलीट करने का ट्राई कर लेंगे, चलते पोस्टमैन में, एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पर इस यूजर के फोल्डर में बना लेंगे, एड रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे डिलीट अकाउंट या फिर प्रोफाइल भी आप कर सकते हैं, और प्रीवियस वाला मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड पॉइंट कॉपी यूआरएल पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर, रिसेट पासवर्ड के बदले डिलीट यूजर, और पैराम्स आप इसके आगे भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी इसको पास करा सकते हैं, जैसे कि आईडी लिखेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पर वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू, डेटाबेस में जो भी आईडी है ना उसको आप यहाँ पर पास करा सकते हैं कॉपी कुछ इस तरीके से, या फिर आप डायरेक्टली जो है ना, सॉरी कहाँ है, यहाँ पर डायरेक्टली भी पास करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ, मेथड का टाइप रहेगा डिलीट, अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसको ट्राई कर लेंगे, यहाँ पर मैं डिलीट का ट्राई करता हूँ सेंड, और 404 आ रहा है डिलीट यूजर, एक बार राउट चेक कर लेता हूँ मैं, यूजर राउट, इसमें हमारे पास ये तो सेम है, कॉपी कर लेते हैं इसको फिर से डिलीट यूजर। अच्छा हाँ, आईडी इसके बाद में है ना, तो पराम्स में हमको आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं पराम्स को रिमूव कर लेता हूँ, डायरेक्ट हम क्या करेंगे आईडी को पेस्ट कर लेंगे। सो मोंगो डीबी में से कॉपी कर लेता हूँ वापस से कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे आईडी को पेस्ट कर लेंगे। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ, ओके यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन का इशू आ रहा है, आई थिंक टोकन जो है ना एक्सपायर हो गया, मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूँ, एडमिन एडमिन, अच्छा हाँ ये एडमिन वाला है ना, लॉग इन करके ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लॉग इन हो चुके हैं,
तो टोकन यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे ऑथराइजेशन हेडर्स, इसमें हमको ऑथराइजेशन को पास कराना है, बियरर लिखेंगे और टोकन को पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, फिर से सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए सक्सेस थ्रू योर अकाउंट हैज़ बिन डिलीटेड। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, अभी दो डेटाबेस है, अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए सिर्फ एक ही यूज़र अपने पास बचा है। तो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर डिलीट का फंक्शन भी बन चुका है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉगआउट के लिए भी जो है फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि जैसे लॉगआउट होगा तो फिर हम क्या करेंगे वहाँ पर टोकन को भी रिमूव कर लेंगे, या फिर हम क्या कर लेंगे जो लॉगआउट का फंक्शन है ना उसको क्लाइंट साइड कर देंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे क्लाइंट में टोकन स्टोर कराएंगे ना तो वहाँ से हम रिमूव कर देंगे, तो सर्वर साइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमको यहाँ पर कुकी का यूज़ करना है तभी हम जो है लॉगआउट का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, अभी तो फिलहाल हम कुकी यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्ट टोकन यूज़ कर रहे JWT का। तो जैसे लॉगआउट होगा ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे फ्रंट एंड से उसको जो डिलीट करा देंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।